हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा, आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मेरा रिसेंट अमेजॉन हॉल शेयर करने वाली हूँ। एंड अगर आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक पसंद आ रहा हो, जो कि मैंने केवल 5 मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ करके क्रिएट किया है एंड मैंने कोई भी BBCC क्रीम फाउंडेशन नहीं यूज़ किया है, सो अगर आप लोग ये वाला मेकअप लुक देखना चाहते हो तो ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, इसका लिंक दिया मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड गाइज, ये मेरा नया चैनल है, मेरा एक और चैनल है, ब्लॉग चैनल प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइज, अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे, मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नाम मेंशन मेरी स्क्रीन पे। सो विदाउट अ टाइम वेस्टिंग, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 5 प्रोडक्ट्स अमेजोन से परचेस किए हैं एंड इसके बाद मैं मीशो हॉल भी अपना शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। जो प्रोडक्ट है वो है ये स्विस ब्यूटी का ग्लिटर आई शेडो एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है 01। इसके बारे में इन डेप्थ में मैंने एक और वीडियो में बात की हुई है, इसका इन डेप्थ रिव्यू शेयर किया हुआ है। सो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, फुल डिटेल चाहते हैं, तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो ये कुछ इस तरह की पैलेट, इसमें 2 शेड्स अवेलेबल हैं, 01 एंड 02, आप जो भी चाहें परचेस कर सकते हैं। तो कुछ इसमें टोटल इस टाइप के 10 शेड्स मिलते हैं एंड मैंने एक मेकअप लुक जो एंगेजमेंट मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया है उसमें मैंने इस पैलेट को यूज़ भी किया है। सो काफ़ी अच्छी पैलेट है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। सो ये है मेरा पहला प्रोडक्ट जो मैंने वहाँ से परचेज किया है। मेकअप वगैरह मैं अमेजॉन पर्पल एंड यू नो नायका से ही लेना परचेज करती हूँ। नायका से मैंने केवल एक ही बार एक ही प्रोडक्ट परचेज किया है, बट मैं ज़्यादातर मेकअप वगैरह मैं ज़्यादातर परचेज करती हूँ यू नो अमेजॉन से, और स्किन केयर मैं पर्पल से परचेज करती हूँ। सो क्योंकि मुझे अमेजॉन पे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी डील एंड ऑफर्स अच्छे होते हैं। सो ये मेरा पहला प्रोडक्ट जो मैंने लिया है वो अगेन एक आई शेडो पैलेट है, वो है ये स्विस ब्यूटी की हिलेरी रोडा I16 कलर आई शेडो पैलेट एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है 02। एंड इसका भी अगर आप लोग इनडेप्थ रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। इनका जो प्राइस होगा मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन करती जाऊंगी कि मैंने कितने में इसको परचेज किया है। सो ये कुछ इस तरह की आई शेडो पैलेट है, इसमें 16 आई शेडोज है इसमें। एंड इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें एक, जैसे मान लीजिए ग्रीन शेड है तो ग्रीन का लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन एंड एक शिमर, इस टाइप का यू नो कलेक्शन इसमें आई शेडोज का दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड आप इसको वेरियस वेज में यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 इसमें आपको शिमर शेड्स मिल जाते हैं एंड बाकी के सारे आपके मैट शेड्स हैं, लाइक जैसे कि ये सारे शिमर है। जैसे मैंने बोला कि एक शेड के लाइट एंड डार्क एंड शिमर है, जैसे ये ग्रीन का डार्क है, लाइट है एंड ये शिमर है, ऐसे सेम ब्लू का है, पिंक है, रेड है, उसमें टोटल 16 शेड्स हैं। सो अगर आप बिगिनर हैं, आप एक आई शेडो पैलेट परचेज करना चाहते हैं, देन गो फॉर इट, बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी। एंड मेरा जो यू नो एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मेरे फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स अंडर ₹500 शेयर किया था, मैंने उसमें भी इसको इंक्लूड किया है। सो वो वीडियो भी मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। उसके बाद में अगेन एक मेकअप मैंने खरीदा है बिकॉज आई एम अ मेकअप लवर पर्सन, सो वो है ये शुगर कॉस्मेटिक्स का ब्रॉन्जर। दिस इज शुगर कॉस्मेटिक्स कॉन्ट्रोल डिफोर्स मिनी ब्रॉन्जर। इसमें जो मेरा शेड है वो है 02 वुडी बॉन्डर एंड इसमें 2 शेड आपको अवेलेबल होते हैं इसमें। लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैंने इसमें डार्क शेड ऑर्डर किया था बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शेड तो मुझे करेक्ट मिला है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा लाइट लग रहा है, मेरी स्किन पे उतने अच्छे से यू नो ब्रॉन्जिंग हो नहीं रही है, कॉन्ट्रोलिंग हो नहीं रही है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि इसका ब्लश मुझे बहुत पसंद है। तो ये शेड जो है ना, ये मेरी स्किन टोन से लाइट है थोड़ा सा, बस मुझे इस प्रोडक्ट के साथ में थोड़ा सा इतना ही प्रॉब्लम लगा है। बाकी शुगर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं यू नो, मेरे पास इसका ब्लश है सो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो। दिस इज़ फिलिप्स का ये है हेडफोन एंड ये मैंने एक यूट्यूबर है, उन्होंने अमेजोन हॉल शेयर किया था तो उसको देख के मैंने इसको परचेज किया बिकॉज मुझे एक हेडफोन चाहिए था। तो ये कुछ इस तरह से आप इसको अपने ईयर्स पे लगाते हैं एंड इधर से ये जो है, कहाँ गया यार, पता नहीं कहाँ चला गया इसका, हाँ ये है। सो यहाँ से आप इसको कनेक्ट करते हैं मोबाइल से एंड अच्छी क्वालिटी, और फिर आप इसमें से म्यूज़िक सुन सकते हैं। और मैंने ये परचेज किया था बेसिकली वॉइस ओवर करने के लिए, जो मैं एडिटिंग करती हूँ, तो मेरा जो हेडफोन है वो सचिन ने घुमा दिया स्कूल में, तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया था। इसका जो MRP था वो 385 रुपीज़ था, आई थिंक, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। एंड इसका एक और आता है, वो होता है आई थिंक 400-500 के समथिंग वो वाला आता है, और उसका भी मैं स्क्रीन आपको मेंशन कर दूंगी। बात करूँ इस प्रोडक्ट की, तो इसका जो यू नो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, अगर आपको लाइट वेट हेडफोन्स पसंद है सो देन यू कैन गो फॉर इट। मुझे थोड़े से वो भम भम वाले नहीं अच्छे लगते क्योंकि मेरा हेडेक होने लगता है,
सो मैंने लाइट वेट की वजह से, क्योंकि उन्होंने बोला था काफ़ी लाइट वेट है, लेकिन इसके साथ में एक जो चीज़ मुझे ये लगी क्योंकि फिलिप्स है एंड इसका जो साउंड क्वालिटी है ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप यू नो 200 का हेडफोन खरीदते तो जो उसका साउंड है वही इसका साउंड है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें यहाँ पे ना फॉर्म लगा हुआ है और फॉर्म बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें है कि आप इस पर यू नो बात भी कर सकते, स्पीकर वगैरह भी दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको मोबाइल पर लगाते हो ना तो आपको मोबाइल जो है वो आपके काफ़ी नज़दीक रखना पड़ता है, अगर आप उसको पॉकेट में डालोगे तो सामने वालों को आपकी आवाज़ नहीं आती, विच इज़ जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको यू नो कैंसिल कर दिया। इस ऑर्डर को मैंने रिटर्निंग की रिक्वेस्ट पे डाला हुआ है एंड मे बी मैं जो इसका दूसरा 500 वाला है फिलिप्स का वो परचेज करूँ, लेकिन मुझे ये पसंद बहुत है क्योंकि यू नो इसका ग्रे कलर काफ़ी अच्छा लगता है एंड काफ़ी लाइट वेट है, वो सारी चीज़ें हैं, बट साउंड क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी एक्सपेक्ट की थी मैंने, एंड ऑडियो जो है इसका जिससे बात करूँ तो बाद में ज़्यादा अच्छे से आवाज़ नहीं आती है, तो मैंने इसलिए इसको रिटर्न पर डाला हुआ है। ये बातें आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई भी यूट्यूबर जो होता है वो कोई भी अगर हॉल वगैरह शेयर करता है तो वो सारे ही बोलता है कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बट जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करी। ओके, लास्ट जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है वो है ये वाला शू रैक एंड ये मैंने आई थिंक 500 के समथिंग कुछ परचेज किया है और इसमें 5 आपको पोर्शन मिलते हैं जिसमें आप अपने शूज़ को रखते हैं। क्या होता था ना कि सचिन के बहुत सारे शूज सैंडल्स एंड स्कूल के उनके होते थे तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज रहता था, पूरा घर बिखरा रहता था, इसलिए मैंने इसको ख़रीदा है। बात करूँ इसकी क्वालिटी की तो इसका जो कपड़ा है वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं था, उसमें कोई भी सिलाई नहीं थी, जैसे कि आपको जो रॉड डालने के लिए फोल्ड किया हुआ कपड़े को तो वहाँ पे उसको चिपकाया गया था, तो जब आप रॉड डाल के उसको जब आप असेंबल करोगे तो वो वहाँ से उखड़ने लगता है, फटने लगता है, तो इसलिए मैंने पहले दोनों तरफ वहाँ पर सिलाई पड़वाई, पूरे कपड़े में मैंने वहाँ पर सिलाई पड़वाई है, तो कपड़े की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन प्राइस वाइज और अगर मैं पूरे यू नो प्रोडक्ट की बात करूँ तो पूरा प्रोडक्ट मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि जो अगर उसमें मैंने सिलाई पड़वा ली तो फिर वो फटना बंद हो गया था। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये शू रैक लेने के लिए तो डेफिनेटली, अभी तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट खरीदे हैं केवल इसको छोड़ के मैं आपको बाकी के सारे प्रोडक्ट्स यू नो रिकमेंड कर सकती हूँ, आप उसको ज़रूर परचेज़ करिएगा। एंड इससे जो घर है मेरा काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगने लगा, थोड़ा अच्छा भी लगने लगा, इसमें अलमीराज वगैरह भी आती है बट अलमीरा को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँ क्योंकि उसका कपड़ा इतना अच्छा नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, एंड 500 की क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसकी रॉड्स वगैरह तो लोहे की हैं, एल्यूमिनियम की नहीं है, जो कि यू नो मुड़ जाती हैं या दब जाती हैं टूट जाती हैं, रॉड एकदम उसकी यू नो लोहे की। 3 से 4 लोगों की फैमिली हो तो आप डेफिनेटली शू रैक को परचेज कर सकते हो। सो गाइज, ये है वो शू रैक, इसमें इस तरह के यू नो होल्डर टाइप के आते हैं जिसके में आपको रॉड को अटैच करना पड़ता है और इसके साइड में एक पॉकेट भी है, तो बचे हुए जो बच गए थे मेरे होल्डर उसको मैंने उसमें डाल दिया कि इन फ्यूचर कभी अगर काम आए। अब इसकी पहले मैं आप जिप की क्वालिटी आपको दिखा रही हूँ, जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी तरह से यू नो वॉक कर रही है, और यहाँ पे मैं अब आपको कपड़ा दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको कपड़ा इसमें रिसीव होता है और इस तरह से ये शू रैक पूरा असेंबल करने के बाद दिखाई देता है। मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने दिखाया भी था मैं इसको असेंबल करते हुए, ये रॉड देख लीजिए ये पूरा ही लोहे का है, एल्यूमिनियम का नहीं है, इस तरह से आपको इसको असेंबल करना है, उसमें एक पूरा पिक्चर भी आता है जिसको देख देख के आप इसको इजीली असेंबल कर लोगे, और ये देखो गाइज मैंने यहाँ पे सिलाई डलवाई है ताकि ये फटे ना, ठीक है। तो ये शू रैक है, एक एक चीज़ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ डीपली समझ में आ जाए, अगर आप परचेस कर रहे हो मेरी रिकमेंडेशन पे तो आपको कोई भी रिग्रेक्शन फील ना हो, जो कमियां हैं वो भी बता रही हूँ, जो अच्छाइयां हैं वो भी बता रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं ये मैंने परचेस किया, इसको मैं दिखाना भूल गई, ये एक्चुअली एक मोबाइल होल्डर है ट्राईपॉड का, मेरा पुराना वाला ना उसकी जो ये रबड़ मैं आपको ब्लैक कलर की दिखा रही हूँ ना ये पूरी घिस गई थी, तो मोबाइल खिसक के गिर जाता था, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, तो मैंने इसलिए इसको ख़रीदा है 200 का, एओस ब्रांड का है ये। सो इसको इस तरह से आपको ट्राईपॉड में इस तरह से सेट करना होता है और बस यहाँ पे आप अपना मोबाइल को एडजस्ट कर लीजिए एंड अपने वीडियो बनाइए। आज का अमेजोन हॉल, आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, सो बाय एंड टेक केयर ऑल्सो।